हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपके लिए आज इलेक्ट्रोड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ये इलेक्ट्रोड का काम है और कैसे करता है, ये जलने के टाइम वो स्थित उसकी जो आर्क लेन हम देखते हैं वो आर्क लेन के बारे में थोड़ा आज मैं आपको डिटेल में बताने जाने वाला हूँ। तो जो आर्क लेंथ होती है, आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग करने के दौरान हम जो आर्क मेंटेन करते हैं, तो आर्क मेंटेन करने के तीन तरीके हैं, उसे आर्क लेंथ कहा जाता है। जैसे शॉर्ट आर्क लेंथ हो, मीडियम आर्क लेंथ हो, लॉन्ग आर्क लेंथ हो। तो हम जानेंगे कि ये आर्क लेंथ कैसे हम डिफाइन करेंगे कि आर्क लेंथ कौन सी है। तो जब भी हम वेल्डिंग करने चाहते हैं या जो भी वेल्डर वेल्डिंग करने चाहते हैं, तो उसके पास एक इलेक्ट्रोड्स रहता है। इसका लेंथ 350 मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 450 तक रहता है। और ये जो इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड वेरियस डायमीटर्स में आ जाता है। सर 2.5, 3.15, 4 mm, 6, 8 mm, डिपेंड्स ऑन द जॉब। तो सिलेक्शन किया जाता है कि हमें कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये इलेक्ट्रोड का जो लास्ट एंडिंग है उसको स्टब एंड बोलते हैं, जिसमें ये जो स्टब एंड इलेक्ट्रो होल्डर में पकड़ा जाता है, जिससे जो मशीन से आया हुआ करंट इसके ज़रिए पास ऑन करके वो बेस मेटल जो है हमारा वो जॉब है उस पर जलने के लिए वो आसानी हो जाती है। यानी जो हमारा जो सर्किट पूरा कंप्लीट करने के लिए ये बेयर रॉड है, ये बेयर रॉड से हमारा जो मशीन से आया हुआ सप्लाई अपना अर्थिंग में जाके वहाँ आर्क जनरेट हो जाता है। वही आर्क जनरेट होने के बाद हमें जो लेंथ चाहिए, आर्क लेंथ चाहिए, वो हमें कैसे पता चलेगी कि हमें लॉन्ग आर्क लेंथ रहे हैं, मीडियम आर्क लेंथ रहे हैं, शॉर्ट आर्क लेंथ रहे हैं। तो ये जो डायमीटर्स है, ये जो डायमीटर आपका जो बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच जो डिस्टेंस बनाया जाता है, सपोज ये मेरा 4 mm का इलेक्ट्रोड है और मैं वेल्डिंग करने जा रहा हूँ, तो मैंने 2 mm रखा, तो वहाँ हमेशा इलेक्ट्रोड चिपकने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये संभावना की वजह से जो अपना वेल्डिंग मशीन है उसके ऊपर ओवरलोड आता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोड अच्छी तरीके से जलेगा नहीं। सपोज़ मैंने ये 4 mm का इलेक्ट्रोड लिया है और जो इलेक्ट्रोड और मेरा बेस मेटल इनों के बीच में 4 mm का डिस्टेंस मेंटेन किया है, और जहाँ वहाँ जो आर्क जनरेट होने वाली है वो मीडियम आर्क लेंथ बनेगी, यानी वो प्रॉपर आर्क लेंथ बनेगी। इसमें इलेक्ट्रोड बराबर चलेगा और वेल्डिंग भी बराबर हो जाएगी। अभी आते हैं लॉन्ग आर्क लेंथ। जब मैं ये सपोज़ मेरा इलेक्ट्रोड 4 mm है और मैं वेल्डिंग करने के लिए इसका डिस्टेंस मैं स्टार्ट किया और मैं डिस्टेंस बढ़ाया, थोड़ा ऊपर किया, 6 mm, 5 mm, 6 mm करके मैं वेल्डिंग करने को जा रहा हूँ, तो वहाँ क्या हो जाएगा कि वहाँ वेल्डिंग बराबर नहीं होएगा, वहाँ पानी की तरफ पिघलेगा, प्रॉपर मेल्टिंग नहीं होगी। तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग आर्क लेंथ। तो ये लॉन्ग आर्क लेंथ में क्या होता है कि वहाँ जो मटेरियल हमें फ्यूजन करना है, वहाँ फ्यूजन सही तरीके से नहीं हो पाएगा और उसमें डिफेक्ट आने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए हम उसको वेल्डिंग में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं लॉन्ग आर्क लेंथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मीडियम आर्क लेंथ मेंटेन करते हैं, ताकि जो मिलने वाला जो वेल्ड अच्छा बने और क्वालिटी और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहे। अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एक कोटिंग दिया हुआ है, उसे फ्लक्स कहा जाता है। तो जब इलेक्ट्रोड चलता है तो इलेक्ट्रोड जो बेस मेटल को पिघलाने के दौरान वहाँ लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का एटमोसफियर टेम्परेचर बन जाता है, वहाँ मेटल पानी की तरह पिघलता है। तो वहाँ क्या होता है, जब वो मेटल सॉलिडिफिकेशन यानी जैसा ठंडा होता जाएगा, तो उसके ऊपर आप एक ब्लैक कलर का स्लैग दिखाई देगी, चद्दर दिखाई देगी जो वेल्ड मेटल को कवर की रही। तो ये चद्दर को हम स्लैग बोलते हैं। वो स्लैग
क्या कहते हैं कि जो वेल्ड मेटल जो हम गर्म आप वेल्डिंग करते हो जो पिघला हुआ है, तो जब वो ठंडा होने के दौरान वो उसको कवर करके बाहर का जो एटमोसफेयर गैसेस है जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो भी है वो वेल्ड बिट्स के अंदर जाने से वो प्रोटेक्शंस का काम करती है वो ये जो स्लैब, और उसकी वजह से जो हमारा जो वेल्डिंग बिट्स वो अच्छा भी आता है और वो स्लोली कूलिंग भी हो जाता है। तो इसलिए ये फ्लक्स का इलेक्ट्रोड पे होना ज़रूरी है।